जिला बिलासपुर की सदर थाना पुलिस की टीम ने ठगी के मामले में फरार आरोपी को उत्तर प्रदेश के नेपाल बॉर्डर से पकड़ा है। उक्त आरोपी का मेडिकल करवाया गया। आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक उक्त आरोपी ने जिला सोलन से एक गाड़ी खरीदी थी, जिसके लिए उसने 6,15,000 रुपए का चेक दिया था, लेकिन जब चेक लगाया गया तो खाता ब्लॉक पाया गया, जिस पर बीते साल 8 अगस्त को पुलिस ने धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया था और आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि उक्त आरोपी उत्तर प्रदेश के नेपाल बॉर्डर के पास है, तो पुलिस सदर थाना परवारी ने 3 सदस्यीय टीम नेपाल बॉर्डर के लिए रवाना हुई, जहां 5 दिन तक रहकर पुलिस ने उक्त आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। धीरा भाजपा 19 फरवरी को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भव्य स्वागत करेगी। पत्रकार वार्ता में धीरा भाजपा जिला महामंत्री जगदीप डडवाल, भाजपा मंडलाध्यक्ष निर्मल सिंह तथा भाजयुमो उपाध्यक्ष सुकृत चागर ने कहा कि देहरा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास तथा उद्घाटन कर देहरा में पूर्व विधायक रविंदर सिंह रवि की प्राथमिकताओं को पंख लगाएंगे। इन परियोजनाओं में मुख्य रविंदर रवि की विधायक प्राथमिकता में रही उठाऊ पेयजल परियोजनाएं ढलियारा सूरजपुर गुलेज सुनेहित पीर बिंदली आदि है। के अतिरिक्त पीएचसी ढलियारा बड़ा में नार्थ खड्ड पर पुल निर्माण तथा हरिपुर में तहसील की ओपनिंग आदि की घोषणा मुख्यमंत्री महोदय ने लगभग 1 साल पहले देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिलान्यास के समय देहरा के पूर्व विधायक रविंदर सिंह रवि के आग्रह पर की थी। इन सभी कामों का भी मुख्यमंत्री महोदय शिलान्यास तथा उद्घाटन करेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री महोदय रवि के कार्यकाल में बनना शुरू हुए बेह और चिनोर में हेल्थ सब सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। महामंत्री जगदीप डडवाल ने कहा कि पूरी देहरा भाजपा मुख्यमंत्री महोदय के इस दौरे की तैयारियों में जुट गई है। हम मुख्यमंत्री महोदय के आभारी हैं कि वह देहरा के पूर्व विधायक एवं हिमाचल के पूर्व मंत्री रविंदर सिंह रवि के आग्रह पर देहरा की जनता को इतनी सौगात दे रहे हैं। गणतंत्र दिवस के दौरान दिल्ली में राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार प्राप्त उपमंडल पालमपुर के कालूदीहट्टी गांव निवासी अलायका को अब प्रदेश राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी बधाई संदेश भेजा है। इसमें राज्यपाल ने लिखा है कि अलायका जैसी बहादुर बेटियां देश और प्रदेश का गौरव है। ऐसी बेटियों पर पूरे देश को गर्व है। उन्होंने कहा कि जिस बहादुरी के साथ अलायका ने कार हादसे में वाहन चालक सहित अपने स्वजनों की जान बचाई थी वे सराहनीय है। इस बारे में अलायका ने बताया कि पहली सितंबर 2018 को वे अपने चचेरे भाई का जन्मदिन मनाने कालू की हट्टी से पैतृक गांव खेरा के लिए कार में अपने दादा व माँ के साथ जा रही थी। कार को चालक चला रहा था, लेकिन भारी बारिश के कारण ये कार खेरा से 2 किलोमीटर पहले कुडंग की पहाड़ी में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी थी। गहरी खाई में उनकी कार लगभग 50 फुट नीचे गिरी और पेड़ में फंस गई। कार में सवार अलायका के दादा माँ और चालक घायल अवस्था में बेसुध हो चुके थे। अपने हाथ और पैरों में गंभीर चोट लगने के बावजूद अलायका ने हिम्मत नहीं हारी और कार का दरवाजा खोल सड़क तक कॉलरिंग करके पहुंच गई और लोगों से सहायता लेकर 3 गंभीर घायलों को खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। अलायका के दादा के अवस्थी ने कहा कि बहुत खुशी हो रही है कि पोती को राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और पहले भी जब वे भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए तो उन्हें भी राष्ट्रपति द्वारा उन्हें ऑनररी कैप्टन की उपाधि दी गई थी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा सोलन में देश बचाओ संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, सह प्रभारी गुरप्रीत सिंह कोटली, राष्ट्रीय अनुसूचित विभाग के संयोजक प्रमोद, प्रदेश अनुसूचित विभाग के चेयरमैन यादविंदर गोमा विशेष रूप से उपस्थित रहे। रैली के दौरान सोलन के जिलाधीश के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि वह किसी भी सूरत में
दलितों के साथ जायदाद तीन नहीं होने देंगे। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर और विधायक तिनराम शौंडिल ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति को जो संविधान में स्थान मिला था उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसे वे किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने भारत की जनता को बहुत से सबज बाग दिखाए थे, लेकिन न युवाओं को रोजगार मिला न ही महंगाई से छुटकारा, जिसके चलते आज भारत की जनता भाजपा से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि जब से देश में भाजपा की सरकार बनी है तब से अनुसूचित जाति और जनजाति पर अत्याचार हो रहे हैं। इस अवसर पर पूर्व मंत्री व स्थानीय विधायक डॉक्टर कर्नल धनीराम शौंडिल, पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप कुमार, विधायक लखविंदर सिंह राणा, विधायक विनय कुमार, पूर्व विधायक राम कुमार चौधरी, गंगू राम मुजाफिर, पूर्व विधायक रवि ठाकुर और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। गौरतलब बात यह है कि इस रैली में लोग तो बेहद संख्या में मौजूद थे, लेकिन रजनी पाटिल और मुकेश अग्निहोत्री ने ना जाने किन कारणों से ज्ञापन देने उपायुक्त कार्यालय नहीं पहुंचे और सभी से दूरी बनाते हुए नजर आए। यही नहीं, कुछ नेताओं ने रजनी पाटिल और मुकेश अग्निहोत्री के साथ अलग से खाना खाया और धनीराम शौंडिल अपने कार्यकर्ताओं और अनुसूचित जाति मोर्चा के साथ अलग होटल में खाना खाते नजर आए, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वह कांग्रेस के इस मुद्दे पर मन से साथ नहीं थे।